तो यहां पे देख रहे थे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन में ये मेथड ऑफ क्या होंगे, सिंक्रोनाइजेशन होंगे, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा यहां पे कि जब अल्टरनेटर को हम पैरेलली क्या कर देंगे, यहां पे ऑपरेट कर देंगे, और पैरेलल ऑपरेशन के बाद में यदि अल्टरनेटर का, दोनों अल्टरनेटर हैं, किसी एक अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर है वो फेल हो जाएगा, इसको ड्राइव करना बंद कर देगा, तो क्या होगा, ठीक है, तो इसको ड्राइव करना बंद कर देगा, तो फिर इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज होने से ईएमएफ डिक्रीज होगी, तो इसका पोटेंशियल जब बस बार के पोटेंशियल से लेस हो जाएगा तो पावर क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगी। और ये सेम डायरेक्शन में कैसे वर्क करेगा, तो एज अ सिंक्रोनस मोटर वर्क करेगा, ठीक। तो पावर का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लो का, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम, रिवर्स पावर रिले का यूज करते हैं, ठीक, प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा कि यदि इसके फील्ड के एक्साइटेशन को हम क्या करेंगे, वीक करेंगे, तो फील्ड के एक्साइटेशन को वीक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अंडर रनिंग कंडीशन है, ऑन लोड है, और इसके फील्ड एक्साइटेशन को क्या कर, फील्ड एक्साइटेशन वीक नहीं बोलने से फील्ड एक्साइटेशन फेल हो जाता है। तो फील्ड एक्साइटेशन फेल होने पे क्या होगा, ठीक, तो फील्ड एक्साइटेशन फेल हो गया है, इसको ध्यान से समझो, कि जो अल्टरनेटर है ये इसका रोटर पोल हो गया, और स्टेटर में क्या होती है, सिंक्रोनस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको हम किससे ड्राइव कर रहे हैं, प्राइम मूवर से। प्राइम मूवर के इनपुट में क्या आ रहा है, स्टीम या अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, ठीक, और इसके टर्मिनल पे हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक। अभी यहाँ पे ये ऑन लोड है, ऑन वाटर फ्लो है, ठीक, और यहाँ पे ये दोनों सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बिटवीन क्या होती है, लॉकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो एक्सिस होता है रोटर का, अहेड होता है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ स्टेटर आर्मेचर, ठीक, उसे अहेड होगा ये। अब सडनली इसका जो फील्ड है, इसका फील्ड क्या होता है यहाँ पे, वीक हो जाता है। तो जैसे ही वीक, मतलब कि फेल हो जाता है, इसका फील्ड क्या हो गया यहाँ पे, फेल हो गया। तो जैसे ही इसका फील्ड फेल होगा, तो इन दोनों के बिटवीन जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक लॉकिंग है, सिंक्रोनिज्म है, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो ब्रेक होने से स्टीम का फ्लो, वाटर का फ्लो तो एज इट इज है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, सडनली बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ग्रेटर देन क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी, ठीक। तो जब इसकी स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी, तो फिर क्या करेगा, ये इंडक्शन मोटर के, इंडक्शन जनरेटर के समान वर्क करेगा, और इंडक्शन जनरेटर टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यदि इसका जो फील्ड है, यदि वो फेल हो जाता है, तो ये कैसे बिहेव करता है, इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करता है, ठीक। और यदि प्राइम ओवर फेल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर के समान वो सेम डायरेक्शन में रोटेट होता है, ठीक। अब हमने क्या किया, इन दोनों अल्टरनेटर को पैरेलल में प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर दिया, तो दोनों अल्टरनेटर क्या हो चुके हैं, प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। तो दोनों अल्टरनेटर प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, ठीक है, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, लोड को पावर डिलीवर कर रहे हैं। तो ये भी करंट सप्लाई कर रहा है I1, ये भी करंट सप्लाई कर रहा है I2, दोनों की करंट लोड में जा रही है I1 + I2, ठीक। अब यहां पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है इसकी E1, इसकी जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है E2, तो दोनों की वोल्टेज कैसी होगी, इक्वल इन मैग्नेट,
दोनों की वोल्टेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो यहाँ पे जब ये प्रॉपर सिंक्रोनिज्म में दोनों की वोल्टेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और दोनों की इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने के साथ क्या है, इन फेज है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमने जब इसको सिंक्रोनाइज किया था तो कैसे सिंक्रोनाइज किया था, कि दोनों की ईएमएफ का फेज कैसा था, सेम, तब हमने इसको सिंक्रोनाइज किया था वहां पे, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो दोनों अल्टरनेटर हैं, ये दोनों अल्टरनेटर में ये एन और एस पोल है यहाँ पे, तो प्रॉपर सिंक्रोनिज्म का मतलब होता है कि दोनों अल्टरनेटर सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। जिस इंस्टेंट पर आर फेज के जिस कंडक्टर को ये कट करेगा, सेम इंस्टेंट पर ये भी आर फेज के उसी कंडक्टर को कट करेगा, जिससे कि दोनों ईएमएफ क्या होंगी, इन फेज में हो जाएंगे, ठीक। तो दोनों की ईएमएफ लोड के लिए तो इन फेज में होती है, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या होती है, अपोजिट होती है। क्योंकि यदि यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे प्लस 400 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस 400 वोल्ट होगा, यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, यानी इसके कारण इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसके कारण इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, दोनों के कारण कहाँ पे करंट फ्लो होगी, लोड पे करंट फ्लो होगी। तो हम बोलेंगे कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं यहाँ पे, तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड में हैं यहाँ पे और एक दूसरे के क्या हैं, आउट फेज में। तो इसके कारण यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये क्या, प्रॉपर सिंक्रोनिज्म की कंडीशन। तो यहाँ पे नो सिंक्रोनाइजिंग पावर, नो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, कोई सिंक्रोनाइजिंग पावर या सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। अब क्या होता है कि इस अल्टरनेटर के प्राइम मूवर के इनपुट में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, स्लाइट डिस्टर्बेंस, ठीक। तो स्लाइट डिस्टर्बेंस आता है और उस डिस्टर्बेंस के कारण इसका जो रोटर है वो अपनी पोजिशन से क्या होता है, अल्फा डिग्री बैक हो जाता है। तो जब इसका रोटर अपनी पोजीशन से अल्फा डिग्री बैक हो गया, तो अब ये इस आर फेज के कंडक्टर को जब कट करेगा तो क्या होगा, अल्फा डिग्री का डिले हो जाएगा। यानी कि पहले वाले अल्टरनेटर की जो ईएमएफ है वो तो एज इट इज इंड्यूस्ड होगी, इसकी ईएमएफ अब आर फेज के लिए अल्फा डिग्री डिले से इंड्यूस्ड होगी। तो दोनों में क्या आ जाएगा, ये वेक्टर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। दोनों की ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, लेकिन उनमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर डिफरेंस आ जाएगा। तो जो ये E2 है, अब ये E2 यहाँ नहीं रहेगा, E2 अपनी पोजीशन से क्या होगा, ऐसा अल्फा डिग्री बैक हो जाएगा। तो जब ये अल्फा डिग्री बैक होगा तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर डिफरेंस, और वेक्टर डिफरेंस के कारण क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज। इस रिजल्टेंट वोल्टेज के कारण क्या होगा, यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग करंट फ्लो होगी, और सिंक्रोनाइजिंग करंट जो है, ठीक, जैसे मैंने बताया था कि इसके आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल, ठीक। तो इसको हम नेग्लिजिबल में कंसिडर करेंगे। तो जो सिंक्रोनस इंपेडेंस है इक्वल टू क्या होगा, रिएक्टेंस होगा। तो जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। और जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है ये किसके इन फेज में आ जाएगी, यहाँ पे ए वन के, ठीक। तो E1 की क्या हो गई, वो इन फेज में यहाँ पे आ गई। तो जब वो E1 के इन फेज में आएगी तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजिंग पावर डेवलप करेंगे, और इस सिंक्रोनाइजिंग पावर के कारण क्या होगा, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक। इसका मतलब है कि जब ये रिजल्टेंट ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो किसके बिटवीन होगी, इन दोनों के बिटवीन रिजल्टेंट ईएमएफ हो जाएगी। अब इन दोनों के बिटवीन एक करंट सर्कुलेट होगी और उस करंट को क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइजिंग करंट। और ये सिंक्रोनाइजिंग करंट जो सर्कुलेट होगी इसके और इसके बिटवीन, दोनों के बिटवीन, तो इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो जो सिंक्रोनाइजिंग करंट होगी वो क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वोल्टेज अपॉन ट्वाइस ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो जाएगी। तो इतनी सिंक्रोनाइजिंग करंट यहाँ पे फ्लो होगी और वो क्या करेगी, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो जो यहाँ पे आउट ऑफ फेज जा रहा है तो ये करंट को ड्रॉ करेगा और इसमें पावर डेवलप होगी, सिंक्रोनाइजिंग पावर, इस सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और वापस क्या करेगा, उसको अपनी पोजीशन पे लेके आ जाएगा, ठीक। तो फिर से दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर पैरेलल ऑपरेशन में रन करेंगे। तो यदि
टू अल्टरनेट्स को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करते हैं तो वह अपने सिंक्रोनिज्म को इजीली ब्रेक नहीं करते हैं। तो यदि डिस्टर्बेंस आता है तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग पावर फ्लो होती है जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम पढ़ रहे थे SCR, ठीक है, तो उसमें पढ़े थे SCR किस पर डिपेंड करता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस पे, ठीक है। तो यदि सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू लो होगी तो सिंक्रोनाइजिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, तो सिंक्रोनाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ पे इनके पैरेलल ऑपरेशन की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो सिंक्रोनाइजिंग पावर के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क क्या होता है, पावर अपॉन ओमेगा, ठीक। तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है और दोनों अल्टरनेटर फिर से प्रॉपर सिंक्रोनिज्म में रन करते हैं। तो जो यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे होती है, तो उसका फार्मूला यहाँ पे है कि सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है। तो ये देखेंगे कि जो सिंक्रोनाइजिंग पावर है इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के पास में हमारे पास ये फार्मूला आता है कि जो सिंक्रोनाइजिंग पावर है ये होती है अल्फा ई एम ऑफ स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन टू एक्सेस, ठीक। तो टू एक्सेस कहाँ से आता है, इन दोनों का रिएक्टेंस है टू एक्सेस, ठीक है। थीटा क्या होता है, तो ये जो थीटा ये एंगल है, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, थीटा बोलेंगे। और ये क्या है यहाँ पे अल्फा, ये एंगल है कितना डिग्री, ये बैक हुआ है। और ई क्या है, दोनों की ई एम ऑफ इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों ई एम ऑफ ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये सिंक्रोनाइजिंग पावर होती है और इस सिंक्रोनाइजिंग पावर के कारण क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है उस सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क होगा वो जाएगा सिंक्रोनाइजिंग पावर ठीक और अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई एन एस अपॉन 60 आरपीएम में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो ये सिंगल फेज के लिए, थ्री फेज के लिए तो 3 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से सिंक्रोनाइजिंग पावर और सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जो है ये डेवलप यहाँ पे होते हैं। तो आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन, तो जैसे कि यहां पे टू अल्टरनेटर्स हैं ये, और ये दोनों अल्टरनेटर क्या कर रहे हैं, लोड को पावर डिलीवर कर रहे हैं, तो जब दोनों अल्टरनेटर लोड को पावर डिलीवर कर रहे हैं तो इन दोनों की जो किलो वॉट रेटिंग है वो इक्वल है, अभी जो किलोवाट आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं लोड को इक्वल आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक। दोनों इक्वल रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहे हैं, तो दोनों की अपेरेंट पावर भी यहां पे इक्वल हो, ठीक। तो दोनों अल्टरनेटर क्या कर रहे हैं, लोड को इक्वल एक्टिव पावर इक्वल रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों की अपेरेंट पावर भी इक्वल होगी, यानी कि इन दोनों का जो पावर ट्रायंगल है इस पावर ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसकी पावर ये दोनों इक्वल हैं, इसकी रिएक्टिव पावर ये भी दोनों इक्वल हैं,
और इसकी अपेरेंट पावर भी दोनों इक्वल है। ठीक, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो पावर फैक्टर एंगल होगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, यदि हम अल्टरनेटर के डीसी एक्साइटेशन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो अल्टरनेटर के डीसी एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो जिस अल्टरनेटर के डीसी एक्साइटेशन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उसकी कौन सी पावर इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिव पावर। यदि मान लीजिए हम इस अल्टरनेटर के डीसी एक्साइटेशन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक, तो उसकी आउटपुट जो किलो वॉट पावर है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। डीसी एक्साइटेशन चेंज करने पर आउटपुट किलो वॉट पावर में कोई चेंज नहीं होता है। तो डीसी एक्साइटेशन चेंज करने पर किसमें चेंज आता है, रिएक्टिव पावर। तो ये जो रिएक्टिव पावर है इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिव पावर इंक्रीज होगी तो अपेरेंट पावर भी इंक्रीज होगी, और पावर फैक्टर एंगल क्या होगा यहाँ पे, है ना, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि बोलता है कि एक्साइटेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो यदि हम एक्साइटेशन इंक्रीज करते हैं, तो इसकी वैल्यू को यदि इंक्रीज करेंगे तो किसमें मेन चेंज आएगा, किसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो किलो वॉट पावर में नो चेंज, इसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, किसमें चेंज आएगा, तो रिएक्टिव पावर में चेंज आएगा। तो रिएक्टिव पावर क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। ठीक है, रिएक्टिव पावर इंक्रीज होने से अपेरेंट पावर भी क्या होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले चेंज किसमें आएगा, रिएक्टिव पावर, उसके कारण ये इंक्रीज होगी। पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, और पावर फैक्टर क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। तो कॉस फाई यानी पावर फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ये चेंज यहां पे आएगा। अब लोड जो है वो तो फिक्स्ड है, लोड फिक्स्ड है, लोड को जितना रिएक्टिव पावर चाहिए उतना ही चाहिए उसको। ठीक, तो यदि ये रिएक्टिव पावर ज्यादा सप्लाई करने लगेगा तो इसकी रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी रिएक्टिव पावर डिक्रीज होगी तो इसका एंगल क्या होगा और इसका पावर फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना है एक्साइटेशन चेंज करने पर मेन चेंज किस में आता है, रिएक्टिव पावर में यहाँ पे आता है। ठीक, तो यदि बोलेगा कि आपका जो अल्टरनेटर है कैसा है, वो ओवर एक्साइटेड है। अब यहाँ पे हम एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ओवर एक्साइटेड जनरेटर है। तो यदि ओवर एक्साइटेड जनरेटर है तो ये कौन से पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। ठीक, अब यदि आपका अंडर एक्साइटेड है अल्टरनेटर है ना, तो ये कौन से पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क। तो जब हम एक्साइटेशन की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो ओवर एक्साइटेशन पे क्या होगा, वो लैगिंग पावर फैक्टर, और अंडर एक्साइटेशन पे क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। इसके बाद में यदि हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट किलो वॉट लोड शेयरिंग इंक्रीज हो, तो आउटपुट किलो वॉट लोड शेयरिंग कैसे इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्टीम और वाटर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ स्टीम और अमाउंट ऑफ वाटर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज स्टीम और अमाउंट ऑफ वाटर, एन इनपुट ऑफ प्राइमर। तो जो प्राइमर है, प्राइमर के इनपुट में, ठीक है, स्टीम या वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट यहां पे होगा। तो यदि हम प्राइमर के इनपुट में स्टीम या वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे ये अल्टरनेटर है,
इसका ये प्राइम ओवर है, प्राइम ओवर के इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, स्टीम या वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी जो आउटपुट मैकेनिकल पावर है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उससे इसकी जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर को यदि हमको इंक्रीज करना है तो इनपुट मैकेनिकल पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या एक मशीन है जो मैकेनिकल पावर को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर में। तो जब तक आप मैकेनिकल पावर इनपुट में इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आपकी आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे यदि दो अल्टरनेटर हैं ये सेम, और दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन में रन कर रहे हैं, और दोनों अल्टरनेटर लोड को एक्टिव रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर सप्लाई कर रहे हैं, और दोनों की जो एक्टिव पावर है ये भी इक्वल है, दोनों की जो रिएक्टिव पावर है ये भी इक्वल है, और दोनों की जो अपेरेंट पावर है ये भी इक्वल है। ठीक, तो ये सभी पावर कैसी हैं, आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशन में यदि हम जिस अल्टरनेटर के इनपुट में स्टीम या वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो लोड एंगल है, उसका जो टॉर्क एंगल है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अभी बताया था कि दोनों अल्टरनेटर का जो पोल है वो कैसा रहेगा, सेम स्पीड पर रोटेट कर रहा है, तो जिसके इनपुट में स्टीम या वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करोगे उसका रोटर अपनी पोजिशन से क्या होगा, अहेड हो जाएगा, यानी कि उसका टॉर्क एंगल क्या होगा, वहाँ पर लोड एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसका टॉर्क एंगल लोड एंगल इंक्रीज होगा वो क्या करेगा, लोड को ज़्यादा किलो वॉट सप्लाई करेगा, एक्टिव पावर सप्लाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे इनपुट पावर इंक्रीज करने पर ही क्या इंक्रीज होगी, आउटपुट किलो वॉट। तो यदि बोलेगा कि लोड की आउटपुट किलो वॉट है ना, अल्टरनेटर की आउटपुट किलो वॉट लोड शेयरिंग आपको बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके इनपुट में प्राइम ओवर के इनपुट में स्टीम या वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, तो अल्टरनेटर में इतना ही देखेंगे है ना, अब बाकी कल सिंक्रोनस मोटर देखेंगे, कल खत्म हो जाएगी, फिर मंडे से इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्टार्ट करते हैं।